नमस्ते दोस्तों, मैया की रसोई कान्हा की फुलवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने कन्हैया के लिए लड्डू बनाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से लड्डू बनाएंगे। बहुत ही कम सामग्री हमने ली है। आप मेवा अपने पसंद के अनुसार और भी ले सकते हैं। ये चिरौंजी है, चिरौंजी की जगह खरबूजे का बीज भी हम ले सकते हैं। चिरौंजी है, बादाम, पिस्ता है, मखाना, इसको हमने माइक्रोवेव में भून लिया है, ऐसे सूखा हमें रोस्ट कर लेना है। जिंजर पाउडर है आधा चम्मच, इसकी जगह नहीं पसंद हो तो इलायची का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा गोंद है, गोंद आपको ऐसे ही छोटी छोटी लेनी है जिससे कि भूनने में, इसको तलने में सुविधा रहे, और यदि बड़ी है तो उसको आप छोटे टुकड़े में कर लें तो गोंद अंदर से पक जाएगी। आटा हमने गेहूं का लिया है, गेहूं का आटा ही लेना है, आधा किलो के लगभग, मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। और ये देसी घी है, देसी घी में ही लड्डू पूरी तरह से बनेगा। हल्दी पाउडर है थोड़ा सा, हम इसमें हल्दी आधे चम्मच के लगभग, हल्का पीला होना चाहिए, हल्दी डालेंगे। दोस्तों पहले हम आटा को भून लेंगे, धीमी आंच में भूनना है, आपको ध्यान रखना है। आटा भूनने के लिए आपको मोटे तली की कढ़ाई लेना है, स्टील की कढ़ाई में ये लड्डू अच्छा नहीं बन पाता है क्योंकि उसमें भूनने में दिक्कत होती है। बादाम को हम मिक्सी में दरबरा पीस लेंगे, कच्चा ही ऐसे पीस लेंगे। उसके बाद जब आटा भूनेंगे उसी के साथ हम इसको भी भूनेंगे। तो पहले हम आटे को भून लेते हैं। दोस्तों आटा भूनने के पहले हम गोंद को छान लेते हैं। गोंद को छानने के बाद उसी घी में आटा भूनेंगे। दोस्तों गोंद आपको इसी तरह से भूनना है, गैस का फ्लेम हमें धीमा ही रखना है जिससे गोंद हमारी अंदर तक सिक जाए। छोटी छोटी रहेगी तो ये पूरी तरह से सिक जाएगी। फिर इसको हम निकाल लेंगे, उसके बाद इसको खल्लड़ में इसको हम दरबरा कर लेंगे। मिक्सी में नहीं चलाना है, नहीं तो ये बिल्कुल पिघल जाएगा। बस इसको निकाल लेते हैं। इसके बाद घी में आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और आटा डाल के धीमी आंच पर इसको भून लेंगे। हल्दी हम डाल दिए हैं, जिंजर पाउडर डाल देंगे, आटा डाल देंगे। गैस मीडियम करके हमें इसे चलाते हुए भूनना है। यदि घी कम लगे तो घी हम और डालेंगे। दोस्तों आटा हमारा 50% तक भून चुका है। अब हम इसको किनारे कर देंगे इस तरह से, और बीच में हम एक चम्मच घी डालेंगे। इस लड्डू में घी अच्छी तरह से लगता है। यदि आप कम घी में बनाना चाहें तो सीरे में बना सकते हैं, लेकिन सीरे में बना लड्डू थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा, ऐसे लड्डू बहुत मुलायम बनेगा। ये जो मखाना हमने भुना था इसको हम मिक्सी में दरबरा पीस लिए हैं। लगातार आपको मिक्सी नहीं चलानी है, रुक रुक के चलाना है। बादाम को हमने ऐसे पीस लिया है बारीक, ये पिस्ता है। इन सब चीज़ों को हम इसमें डाल के भुनेंगे। सबसे पहले हम चिरौंजी डालेंगे। यदि आप खरबूजे का बीज डाल रहे हैं तो उसे भी आपको ऐसे ही भून लेना, गैस बिल्कुल धीमा रखेंगे। इसी के साथ बादाम डाल देंगे, पिस्ता, बादाम, मखाना, सभी चीज़ों को डाल के। पहले हम इसको इसलिए नहीं डालें कि ये ज़्यादा भून जाएगा तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, इसकी पौष्टिकता भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जब आपका आटा 50% के लगभग भून जाए उसी समय आपको इस तरह से भून लेना है, और फिर सभी को मिलाते हुए गैस धीमा करके भूनना है। आटा हमारा भून चुका है, गैस हम बंद कर देंगे, और इसी में जो गोंद हमने लिया था इसको खल्लड़ में ऐसे दरबरा कर लेना है आपको, मिक्सी में नहीं चलाना है, इसको डाल देंगे। यदि आप गोंद चाहें तो और भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को मिला लेंगे, चीनी अभी नहीं मिलाएंगे। दोस्तों हम आपको बताना भूल गए थे, ये हमारा शुगर पाउडर है, इसको चीनी का भूरा भी कहते हैं। एक किलो यदि आपका आटा है तो उसमें ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आधा किलो चीनी का भूरा, और यदि कम मीठा पसंद करते हैं तो 250 ग्राम, अपने अनुसार जैसा मीठा। ये लड्डू कम मीठा भी बन सकता है, ज़्यादा मीठा भी।
हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा निकाल करके गरम में यदि हम पूरे में चीनी मिला देंगे तो ये फिर कड़ा हो जाएगा। पहले हम इतना मेरा शुगर पाउडर है, इतने आटे में हम लड्डू बांधेंगे। गैस धीमा कर दिए हैं, घी अपने अनुसार डालेंगे क्योंकि लड्डू को हमें घी में ही बांधना है। कढ़ाही गैस पर से हटा देंगे इसलिए कि कढ़ाही गर्म हो जाएगी। घी गर्म कर करके लड्डू को हम बांधते रहेंगे। दोस्तों इस तरह से आपको पूरे मसाले में जो भी आटा मेवा जो भी हमने मिलाया है, चीनी का भूरा डाल करके घी डाल के इस तरह से बना लेना है, तभी ये बन पाएगा। और यदि आपका लड्डू नहीं बनता है तो आप दूध की मलाई तो डाल सकते हैं, लेकिन वो लड्डू टिकाऊ नहीं होगा, दो चार पाँच दिन ही चलेगा। ये लड्डू आपका आराम से 15-20 दिन चल जाएगा। हल्के हाथ से हमें इस लड्डू को बनाना है। दोस्तों जब हम मेवा पीस करके डालते हैं तो ये रहता है कि लड्डू फूटता नहीं है, लड्डू बांधने में बहुत सुविधा होती है। इस तरह से लड्डू हम बना लेंगे कन्हैया के भोग के लिए। दोस्तों लड्डू हमारा बन करके तैयार है। इस तरह से आपको लड्डू बनाना है, छोटे बड़े साइज अपने अनुसार बना सकते हैं। ऐसे लड्डू बना करके भगवान को भोग लगाइए, बच्चों को भोग लगाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। आगे हम किसी नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।